हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में MFI के बारे में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एंड प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज MFI के बारे में अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक टीम लगा हुआ है जिसमें हम तीनों भी साथ में हैं और अपने अपने जगह पे वर्किंग में हैं। तो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होता है तो हम आपको इस चैनल पे हर संडे को शेयर करते हैं आपके साथ। और अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट जॉब की रिक्वायर्ड है तो आप हमारे इस चैनल के किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि अपना नंबर और एक्सपीरियंस लिख के कमेंट कर देंगे आप हमारे इस चैनल के किसी भी वीडियो में, तो 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जाएगा और साथ में आपको एक रिक्वायरमेंट भी बताया जाएगा। जहां का भी रिक्वायरमेंट्स होगा आपको बताया जाएगा, अगर आपको सूटेबल लगेगा तो आप जाइएगा, नहीं तो आप अपना जो भी आप जैसा भी चाहते हैं वैसा आप कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा चाहिए, वही उसके अनुसार हम लोग ढूंढेंगे। अगर कोई आपसे सूटेबल बैठेगा तो फिर हम उस पर और उसको आप तक शेयर करेंगे और आप जा सकते हैं। तो ये हमारे विजय सर हैं जो जॉब के लिए जॉब अलग अलग कंपनियों में जा रहे हैं और जो भी कंपनियों में रिक्वायरमेंट्स रह रही हैं वो हमसे बता रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में भी रिक्वायरमेंट आई हुई है 2 से 4 कंपनियों में, तो अगर आप बिल्कुल जॉब तत्काल में ढूंढ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारे इस चैनल पे प्लास्टिक से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो मिलता है, जॉब भी मिलेगा, उसके बाद से जो भी टेस्टिंग होता है सब टेस्टिंग को भी बताया जाएगा और प्रोसेसिंग का भी सब कुछ, मटेरियल प्रोसेसिंग जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड है सब कुछ इस पे बताया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल पे जुड़ रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आइए इस वीडियो को देख MFI को कैसे हम निकालते हैं, MFI का स्टेप बाई स्टेप सब कुछ जान लेते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए MFI टेस्ट करने के लिए पहले सैंपल काट कट कर लेते हैं। यह सैंपल कट कर रहे हैं। सैंपल कट करने के बाद से सैंपल को बिल्कुल छोटा छोटा कट करेंगे, एक दाने के बराबर। देखिए ऐसे ही इसको कट कर लेंगे। ऐसे कट करने के बाद से अब मशीन को देखते हैं। यह डाई है, इस डाई को मशीन में डालेंगे, डाल के उसके बाद पिस्टन से और दबा देते हैं ताकि बिल्कुल नीचे तक आ जाए। देखिए पिस्टन है, पिस्टन से दबाया जा रहा है, इसको दबा देते हैं तो बिल्कुल नीचे आके अच्छे से बैठ जाता है डाई। देखिए नीचे देख लेते हैं, अभी देखिए अच्छे से बैठ गया है। ठीक है, अब मटेरियल को उसमें हॉपर लगा के, एक छोटा सा हॉपर होता है उसको लगा के और उसमें मटेरियल अब डालेंगे। ये मटेरियल अब उसमें डाल रहे हैं। इसमें डालने के बाद, इसमें मटेरियल डालने के बाद से पिस्टन से थोड़ा सा अंदर दबा देंगे, थोड़ा सा। ये पिस्टन है, इसी के ऊपर लोड रखते हैं और इसको पहले हाथ से ही पहले मटेरियल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसको दबा देते हैं ताकि मटेरियल बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए अंदर डाई में। ठीक है, अब इस पर लोड रख दिए, ये 5 किलो का लोड है, इसको रख दिए। रखने के बाद से नीचे ये अच्छे से क्लीन कर लिया जाए ताकि जो मटेरियल गिरता है उसको 240 सेकंड पे काटना होता है, 240 सेकंड पे काटना होता है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर दिया इसको साफ करके। अभी जब 240 सेकंड होगा तो इसको कट करना होता है, ऐसा 3 बार करना होता है। 240 सेकंड में ये जितना मटेरियल नीचे फ्लो हुआ रहेगा उतना काटा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 206 हो गया। ठीक है, अभी 240 पे अलार्म आएगा, अलार्म आते ही इसको कट करना पड़ेगा। जो मटेरियल नीचे ये गिर रहा है मेल्ट होके, इसको 240 होगा वो तब काट दिया जाएगा। इसका देखिए 190 टेम्परेचर सेट करते हैं इसका। देखिए अभी ये हो गया, एक कट कर दिए। ठीक है, अभी फिर से स्टार्ट हो गया दूसरा साइकिल, टाइम स्टार्ट हो गया। अभी यह एक कट हो गया, बिल्कुल 240 पे 220 तक अलार्म आ जाता है, 220 सेकेंड तक।
और उसके बाद से जैसे ही 240 होता है उसको कट कर देना होता है, और कट करने के बाद से ऐसा तीन बार करना होता है। तीन बार करने के बाद से इन तीनों का वेट करते हैं अलग अलग। वेट करने के बाद से इसका एवरेज निकाला जाता है। और आगे का प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ। अभी देख लीजिए दूसरा टाइम कट किया जा रहा है, 239.40 हो गया, इसको कट कर दिया, गिर गया नीचे, ठीक है। अभी दो टाइम हो गया, एक बार और ये कट होगा। ये दो मटेरियल आ गया, दो पीस हो गया, एक पीस और इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद से इसका हम वेट करेंगे, ये कितना वेट आया तीनों सैंपल का, जो तीन सैंपल कट करके निकाले हम लोग, ये तीनों सैंपल का वेट हम करेंगे, अलग अलग वेट करेंगे, क्या वेट आ रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, कट होगा, ठीक है। अभी देखिए 190 टेम्परेचर रहता है इसका, और ये 240 सेकेंड तक रखते हैं इसको, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम बंद कर सकते हैं। इसमें ये हमारा वेइंग बैलेंस है, इस पर वजन करते हैं। तो इस पर वजन करने के लिए पहले इसको ज़ीरो करेंगे, पूरी तरह से इसको ज़ीरो कर लेंगे। ये होता है एक टेयर में, जो ये टेयर लिखा है, एक टेयर प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा होता है तो माइनस करते हैं, और जब कम रहता है तो प्लस करते हैं। इसको पहले ज़ीरो कर लेते हैं। अभी फैन चालू है, फैन बंद करके करते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब इसको ज़ीरो करने के बाद से एक एक सैंपल रखेंगे और वेट करेंगे, और उसका रीडिंग लिखते रहेंगे कि उसका रीडिंग क्या है, ठीक है। ये पहला सैंपल है, इसका रीडिंग जो आया वो लिख देते हैं यहाँ पे, 0.1343 इतना रीडिंग आया, इसको हम लिख दिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट का रीडिंग आ गया आपका 0.1531, ठीक है। तीसरा सैंपल का देखते हैं, जो तीसरा है इसका आ गया वेट 0.1266। ये तीनों को हम रीडिंग कर लेते हैं, और रीडिंग करने के बाद से जो इसका प्रोसीजर है, जो इसका फार्मूला है, उस फार्मूले पे इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो आइए इसके फार्मूला जान लेते हैं, क्या होता है इसका फार्मूला। जी फ्रेंड, तो ये है फार्मूला, ये 600 एवरेज ऑफ सैंपल और 200/240 कट ऑफ टाइम है इन सेकंड, जो 240 सेकंड में हम कट कर रहे थे वही है 240 सेकंड। और ये जो 600 सेकंड है, तो इसका यूनिट जो होता है MFI का, जो यूनिट होता है वो ग्राम पर 10 मिनट होता है। तो जो 10 मिनट होता है उसको हम सेकंड में करते हैं, तो सेकंड में करेंगे तो 10 मिनट का सेकंड में करेंगे तो 600 सेकंड हो जाता है। तो इसको 600 इसलिए इसको लिख दिए। और एवरेज ऑफ सैंपल, ये जो सैंपल है, ये सैंपल वन का जो आया था, दो को दूसरा नंबर का जो आया था, तीसरे नंबर का आया था, इन सब का प्लस करके डिवाइड बाई तीन किया, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे इतना आ गया 0.41939 डिवाइड बाई थ्री करने पे इतना इसका रिजल्ट आया है, ठीक। तो इसको अब रख देंगे 600 एवरेज ऑफ सैंपल पे रख देंगे, और 240 हो जाएगा। तो इतना MFI निकालने के लिए इतना 600 इतना करेंगे डिवाइड बाई 240 बराबर आ जाएगा 3.345 ग्राम पर 10 मिनट। यही हमारा MFI होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।